हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल गॉड गेमर्स इन्फो में। और आज हम आप लोगों को फिर से सिखाने वाले हैं आप लोग कैसे वन टफ हेडशॉट मार सकते हो, क्योंकि मेरा पहला वाला जो वीडियो था उसमें थोड़ा सा कुछ मिस्टेक था जिसके लिए कोई समझ नहीं पा रहा था। इसीलिए हमने फिर से हैंड कैम के साथ इस बार परफेक्टली के साथ वीडियो लाए हैं। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखना फर्स्ट से लास्ट तक, और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। शायद आप लोगों में से बहुत सारे बंदे जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे कि वन टैप हेडशॉट दो तरीके का होता है। तो आप लोग देख सकते हो जो हम पहले वाले वन टैप हेडशॉट दिखा रहा है, ये है ड्रैग वन टैप हेडशॉट, और दूसरा वाला है जंप करने वाला वन टैप हेडशॉट। तो हम आज आप लोगों को वन टैप हेडशॉट सिखाएंगे जो ड्रैग वाला है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि हायर आर योर ट्रेनिंग। तो आप लोग कहाँ पे ट्रेनिंग करोगे, तो आप लोग जानते ही हो कि हमारे मैप ट्रेनिंग मैप है गेम के अंदर। तो आप लोग ट्रेनिंग मैप के अंदर ट्रेनिंग करो, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग ग्राउंड में अगर ट्रेनिंग करोगे तो आपका स्किल भी इंप्रूव होगा और आप जो सीखना चाहते हो वो भी बहुत अच्छी तरह से सीख पाओगे, क्योंकि यहाँ पे आप बार बार मरने की बात फिर से जन्म ले सकते हो। इसीलिए आप आगे चलते हैं हमारे सेकंड स्टेप के ऊपर जो है व्हिच गन इज़ बेटर टू प्रैक्टिस। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए हमेशा दो स्पास 12 लेना है। आप देख सकते हो दो स्पास 12 लेना है, क्योंकि इस स्पास 12 से आप लोग बहुत अच्छी तरह से हेडशॉट मार सकते हो, और बिगिनर्स के लिए ये बहुत अच्छा है क्योंकि इसके सहायता से आप एक शॉट में ही हेडशॉट मार सकते हो। अब आते व्हिच सेंसिटिविटी एंड सेटिंग्स बिफोर फॉर वन टैप हेडशॉट। तो आप वन टैप हेडशॉट मारने के पहले ये सेंसिटिविटी आप रख सकते हो या ये सेटिंग रख सकते हो। तो सबसे मेन पॉइंट ये है कि सेट योर एम पोजीशन। आपका जो एम है, जो एम पोजीशन है, वो आप कहाँ पे रखोगे हेडशॉट मारने के लिए, आसानी से हेडशॉट मारने के लिए। तो आप लोगों को हमेशा एक चीज़ याद रखना है कि आपको एनिमी के ठीक नीचे, आप देख सकते हो मैं एनिमी के नीचे पहले एम ले जा रहा हूँ, उसके बाद ऊपर की तरफ खींच रहा हूँ, देखो सीधा हेड लग रहा है। और आप जब स्पास 12 से करोगे तो और भी अच्छी तरह से होगा, क्योंकि आपको एक ही गोली निकलेगा स्पास 12 से और वो एक ही गोली हेडशॉट लगेगा। अब होते हैं हमारे नेक्स्ट सेकेंड स्टेप के ऊपर, हाउ टू ड्रैग टू हिट हेडशॉट। तो आप लोगों को वन टैप हेडशॉट के लिए कैसे ड्रैग करना होगा, आप लोग जब भी अपना एम पोजीशन एनिमी के नीचे ले जाओगे तो आपको नीचे की तरफ लाकर नहीं ड्रैग करना पड़ेगा, सिर्फ ऊपर की तरफ ड्रैग करो, उससे ही काम बन जाएगा। आप लोग सिर्फ उस ऊपर की तरफ ड्रैग करो, ओके। तो आप लोग जब भी ऊपर की तरफ ड्रैग करोगे नीचे से, वो बॉडी के ऊपर नहीं चिपकेगा, सीधा जाके हेडशॉट लग जाएगा, क्योंकि बॉडी के ऊपर चिपकने वाला नहीं है, क्योंकि हमने जो रेड डॉट था रेड डॉट कम करके रखा था, इसीलिए बॉडी के ऊपर नहीं चिपकेगा, ओके। और एक बात, आपका जो राइट फायर बटन है, आप जब फायर करोगे तब आप राइट फायर बटन को थोड़ा नीचे से प्रेस करके ऊपर की तरफ करोगे, जिससे कि आपका हेडशॉट लगने के चांस बढ़ जाए। इसके बाद हम आते हैं हाउ टू यूज़ लेफ्ट एनालॉग। तो आपको लेफ्ट एनालॉग कैसे यूज़ करना है, आप लोग देखो हमारे वीडियो में हम लोग कैसे लेफ्ट एनालॉग यूज़ करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है व्हेन द एनिमी गोज टू द लेफ्ट साइड। तो आप लोग समझ सकते हो जब आपका एनिमी लेफ्ट साइड यानी कि बाएं तरफ जा है, तो आपको आपका एनालॉग दाएं तरफ के ऊपर खींचना होगा, तो इससे हेडशॉट लगेगा आसानी से। तो अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट की तरफ। तो हमारा सेकेंड पॉइंट है व्हेन द एनिमी गोज टू द राइट साइड। तो आपका एनिमी जब राइट यानी कि दाएं तरफ भागेगा, तब आपको आपका एनालॉग लेफ्ट एनालॉग को बाएं तरफ खींचना होगा, इससे हेडशॉट लग जाएगा।
तो अब हम थर्ड नंबर पॉइंट पे आते हैं। तो थर्ड नंबर पॉइंट है व्हेन द एनिमी विल कम टू इटसेल्फ। तो आपके तरफ जब एनिमी आ रहा होगा तो आप क्या करना, आपका जो लेफ्ट एनालॉग है आपको नीचे लाना है और आपको फायर करके ऊपर की तो अब हम आते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, हाउ टू यूज क्विक वेपन स्विच। आप लोग कैसे क्विक वेपन स्विच के सहायते आप लोग अपना गन चेंज कर सकते हो। आप पहले तो अपना जो मिली वेपन है आप उसमें क्लिक करके अपना जो गन है वो स्विच कर सकते हो, क्योंकि आपको गन स्विच करना पड़ेगा। आप जब भी एक को फायर करोगे उसके बाद ही आपको गन स्विच करना पड़ेगा, तो आप लोग मिली वेपन पे भी गन स्विच कर सकते हो। और दूसरा है कि आप लोग क्विक वेपन स्विच जो बटन होता है, आप लोग अपने सेटिंग में जाओ और सेटिंग में जाके आप लोग क्विक वेपन स्विच को ऑन कर लो। देखो मैं कहाँ पे जा रहा हूँ, क्विक वेपन स्विच को ऑन कर लो और मैं जहाँ पे सेट कर रखा हूँ वहाँ पे सेट करो, और उसके सहायते से आप क्विक वेपन स्विच बहुत जल्दी कर पाओगे। एक एनिमी को हेड मारने के साथ साथ आप क्विक वेपन स्विच करो, क्योंकि आपका मूवमेंट जो स्पीड होता है क्विक वेपन स्विच से बहुत अच्छा हो जाता है। आप फायर करो, हेडशॉट मारो, फिर क्विक वेपन स्विच करो, इससे आपका गेम प्ले में बहुत सारा इम्प्रूव आ जाएगा। तो इसके बाद छोटा सा एक मॉन्टेज है, आप लोग पूरा देख लेना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप लोग लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और हमारे साथ बने रहना, हमारे साथ जुड़ जाना। Cause I can't